हिंद महासागर में चढ़ रहे दुस्साहस को रोकने के लिए भारतीय नौसेना ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के जो टेंडर दिए थे वो जल्द ही अब भारत को मिलने जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर 24 की संख्या में भारतीय नेवी को दिए जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर की क्या क्या विशेषता होंगी, इसके स्पेसिफिकेशन, हथियार, सेंसर, रडार, सोनार, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं हम लोग। देखिए, ये हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता को अमेरिका के नौसेना में काफ़ी बार साबित कर चुका है। कई युद्धों में ये भाग लिया है, जिससे कि इसकी काबिलियत को बहुत अच्छे से परखा जा चुका है। ये बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर है। कोई भी हेलीकॉप्टर जो होता है उसके मेनली उसके सेंसर वगैरह से पहचाना जाता है। इसे सबमरीन हंटर कहा जाता है, क्योंकि ये जो समुद्र के नीचे चलने वाली पनडुब्बियाँ होती हैं जिन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है, ये उन्हीं को मार देता है। हालांकि ये जमीनी सतह पर भी हमला कर सकता है, कोई लुटेरे वगैरह आते हैं तो उनके भी कर सकता है। ये मल्टी रोल है, इसकी ए टू जेड चीज़ों को समझिए। देखिए, किसी भी हेलीकॉप्टर या कोई भी वाहन अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है उसके एकोमोडेशन का। अगर वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप उसे एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी हेलीकॉप्टर में दो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, एक उसका रोटर जो होता है, रोटर मतलब जो उसका डायना घूमता है, दूसरा उसका टेल वाला भाग, ये वाला टेल वाला भाग। तो इसमें क्या खासियत है कि इसका जो रोटर है वो घूम जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, और ये पिछला हिस्सा भी फोल्ड हो जाएगा, छोटा सा पार्ट इसका बच जाएगा। तो फोल्ड हो जाने की वजह से देखिए, ये हेलीकॉप्टर, इसका रोटर जो था डायना घूम गया, पीछे से जो डायना निकला था टेल रोटर उसी पे लगा रहता है, ये डायना ही पीछे से घूम जाता है, जिस वजह से ये काफ़ी छोटा हो जाता है। और इसे छोटे से छोटे शिप पर भी लैंड कराकर उसे एकोमोडेट रख के और फिर उसे टेकऑफ करा के भेजा जा सकता है। इसका साइज भी नॉर्मल है, इसे छोटे से छोटे शिप, डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट के ऊपर आराम से इसे लैंड कराया जा सकता है। इसके विंग्स वगैरह फोल्डेड होने की वजह से इसे आराम से एकोमोडेट करके एक छोटे से शिप से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। एक छोटे से शिप द्वारा ऑपरेट किए जाने की वजह से इसकी क्षमता और इसकी जो घातक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, किसी क्योंकि इसे छोटे से छोटे शिप पे लाद कर आप कहीं भी दूर ले जा सकते हैं, इसे ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके सेंसर में देखते हैं, सबसे पहला सेंसर जो इसके एकदम थुथुर पे लगा हुआ है, देखिए ये जो सेंसर देख रहे हैं एकदम थुथुरे पे इसे लेकर इसे घूम रहा है, एकदम थुथुर पे जो सेंसर लगा है ये वाला सेंसर, इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर। तो ये आगे से देख लेता है कि कौन सी चीज़ आ रही है। देखिए, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि दुनिया का कोई भी चीज़ है ना कुछ हीट उत्पन्न करता है। आप दुनिया की जमीन को भी देखिएगा तो 15 डिग्री टेम्परेचर उसका भी रहता है, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है। उसी टेम्परेचर के हिसाब से वो कुछ रेडिएशन छोड़ती है, जिस रेडिएशन को ये आपका फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर जो एकदम सामने ही लगा हुआ है वो इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और उस हिसाब से एक इमेज बना देता है। जैसे पेड़ है तो उसका इमेज थोड़ा धुंधला बनेगा कि पेड़ का टेम्परेचर कम रहता है, आदमी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको एकदम चटकार बनाएगा। आप यहां देखिए, पेड़ वगैरह है इसका इमेज धुंधला है, जमीन का और धुंधला, या कुछ आदमी बैठे हुए हैं लोग, उसको आराम से ये डिटेक्ट कर सकता है। अतः दुश्मन का कुछ भी, अगर कोई मिसाइल भी आ रहा है ना, तो उस पर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन होगा। आगे दुश्मन का जहाज है, कुछ भी है आगे, भले रडार में नहीं आएगा लेकिन उसका इंफ्रारेड सिग्नल तो आएगा, तो ये आराम से पकड़ सकता है इसका ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम। इसको एकदम सामने ही दिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर इसी को कोई दुश्मन पकड़ ले तब, तो इसके लिए साइड साइड में ना सिलिकॉन के कई कैप्सूल बनाए गए रहते हैं जो नकली फ्लेयर्स को नकली इंफ्रारेड को छोड़ता है और जो दुश्मन के आ रहे इंफ्रारेड को भटका सकता है। इसलिए ये दुश्मन को पकड़ लेता है और खुद इसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इंफ्रारेड कैमरा से कोई नहीं बच सकता है। जैसे ये देखिए, ये लोग अंदर जंगल में भाग गए हैं सड़क से हटके, सड़क का टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए ये लोग, सड़क थोड़ा वाइट दिख रहा है, इनके बॉडी टेम्परेचर और ज्यादा, इसलिए ये एकदम चटकार वाइट दिख रहा है। तो ये कहीं भी भाग जाए, पेड़ के नीचे भी भाग जाएंगे, तो ये इंफ्रारेड जो होता है वो आदमी को या रोशनी नहीं देखता, वो टेम्परेचर देखता है। टेम्परेचर को कैसे कोई बचा सकता है? आप कहीं भी भागिए, कुछ भी ओढ़ लीजिए, कंबल भी ओढ़ लीजिए, 10 डिग्री भी टेम्परेचर रहेगा ना आपके शरीर का, आपको ढूंढ लेगा, चाहे पेड़ के नीचे। जिसका टेम्परेचर कम रहेगा वो थोड़ा धुंधला दिखेगा, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा और ज्यादा दिखेगा। यहां पर इसमें, यहाँ आप देख रहे होंगे एक लाइट के समान यहाँ गोल सा लगा हुआ है, ये लाइट के समान जो दिख रहा है ये इसका उसका AA, ये क्या चीज़ है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। ये इस साइड भी लगा रहता है, इस साइड भी लगा रहेगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये छोटा सा यहाँ पर लगा रहता है। ये क्या बताता है कि अगर कोई मिसाइल या कोई रॉकेट दाग दिया गया इसके ओर, अब क्या करेंगे, मरेगा नहीं ना ये, तो कहता है कि भाई मिसाइल को भटकाओ। मिसाइल भी तो इंफ्रारेड खोजते हुए आ रही है कि टेम्परेचर कहाँ है जहाज का, जाए यहाँ पे। तो ये क्या करता है, शार्प्स और फ्लेयर
छोड़ देता है। यहाँ पर इसके में यहाँ पे शार्प्स रखे गए हैं और ऊपर में रखे गए हैं, दो जगह इसके शार्प्स और फ्लेयर रखे हुए हैं जो इसके सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। जैसे ही इसके आगे का मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम मैसेज देगा कि भाई कोई मिसाइल आ रही है किस डायरेक्शन में, तो ये दो इस डायरेक्शन में, दो इस डायरेक्शन में है, वो आराम से इस तरह से आग का गोला फ्लेयर छोड़ने लगेंगे। अब आप बताइए, आग के गोले का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इंफ्रारेड टेम्परेचर ही देख के आता है, तो वो जो मिसाइल है वो इस आग के गोले की ओर चली जाएगी, ये अपने से निकल सकता है, इसलिए इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस सिस्टम। ये आगे का हिस्सा देख रहे हैं, ये चौकोर टाइप का ये जो बना हुआ है, इस ये दोनों साइड में लगे रहते हैं, इस साइड भी लगे रहेंगे, यहाँ पे भी देखिए दोनों साइड में दिखाई देंगे यहाँ पर। हालांकि ये वाला तो मिसाइल अप्रोच के लिए था, वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो चौकोर टाइप का बना गया है ये क्या करता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। ये काफ़ी मदद करता है। देखिए अगर आप दुश्मन के एरिया में जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान में हमला करने के लिए गए, चाइना में गए, तो वहाँ पर भी तो उनके रडार लगे हुए हैं ना, ये रडार क्या करते हैं ना, रेडियो सिग्नल्स को छोड़ते हैं। अब हर चीज़ की एक क्षमता होती है, जैसे हम किसी को घूंसा मारेंगे, यहाँ पर रहेगा तो तगड़ा मारेंगे, थोड़ा दूर रहेगा तो हल्का लगेगा और थोड़ा दूर रहेगा तो बहुत हल्का लगेगा, उसी तरह रडार का रेंज होता है। अगर रडार के मेन रेंज में आ जाएंगे ना तो आपको एकदम पकड़ लेगा, लेकिन रडार का कुछ रेंज से दूरी भी हो जाती है, बहुत दूर हो जाता है रेंज के, तो उसकी तरंगे आती हैं लेकिन इतनी दूर हो जाती हैं कि टकरा के लौट नहीं पाती हैं। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, ये उन्हीं छोटे मोटे कम फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों को भांप जाता है, ससुरा इधर से तरंग आ रहा है, यानी और 30-40 किलोमीटर अंदर घुस जाएंगे ना तो पकड़ा जाएंगे रडार में, उससे अच्छा इधर से बच जाओ। तो दुश्मन का रडार कहाँ है उसके लूप होल को हम आराम से पता कर सकते हैं, इसलिए इसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर के एरिया में इसको 2-3 बार घुमा दीजिए तो आराम से पकड़ लेगा कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसका जो रडार है उसमें लूप होल कहाँ है, कहाँ से हम लोग एंट्री मार सकते हैं। तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, जहां इस पर टकराया कोई भी तरंग तुरंत बता देगा इसे जो तरंग टकराया है, इधर मत जो नहीं तो मार देगा तुमको। इसके नीचे देखिएगा ये गोल सा एरिया है जो थरिया की तरह ही गोल सा लगा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं मल्टी मोड रडार। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सोनार है, भाई साहब सोनार हवा में काम नहीं करता, वो पानी में काम करता है। ये क्या करता है, ये रडार है मल्टी मोड रडार, ये जब हवा में जाता है तो ऊपर ऊपर रडार पे देख लेता है कि पानी के ऊपर अगर कोई शिप चल रही है, पानी वाली जहाज, तो इसको भी मारना जरूरी है कि नहीं, तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से मार देगी इसी को, और नहीं तो कोई पनडुब्बी जो है उसका ऊपरी पेरिस्कोप, पनडुब्बी जो होती है ना पानी के अंदर रहती है और पेरिस्कोप निकाल के झांक रही होती है कहां कौन है, तो ये रडार जो है पानी के ऊपर हो रहे थोड़े मोड़े हलचल को भी पकड़ सकता है। तो पनडुब्बी या तो पूरी बाहर है या उसका पेरिस्कोप निकला है या कोई शिप है, आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट कर लेगा तो क्या उनका आरती उतारेगा, नहीं, इसके लिए रखा है ये हेल फायर मिसाइल। जैसे डिटेक्ट हुए समुद्री सतह पर या जमीन पर कोई भी टारगेट, इस जहाज का जहां भी मल्टी रोल रडार नीचे से पकड़ा, तुरंत मारेगा हेल फायर मिसाइल। ये हेल फायर मिसाइल 8 की संख्या में होते हैं, इसके दाहिने साइड के हार्ड पॉइंट में और 4 बाएं साइड के हार्ड पॉइंट में, 4-4-8 लगे रहते हैं। ये काफी दूर तक हमला करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज और तुरंत हमला करके निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर का कॉकपिट व्यू है, यहां से हेलफेक्स मिसाइल मारी गई है, ये हार्ड पॉइंट पे अपने रखे रहता है इस मिसाइलों को। जो हार्ड पॉइंट में रखे हुए हेलफेक्स मिसाइल है ये दुश्मन के शिप के लिए काफी घातक होते हैं, वो दूर तक जाके दुश्मन के शिप वगैरह पे अचूक हमला कर देते हैं। अब पनडुब्बी का क्या होगा, पनडुब्बी को कैसे पकड़ा जाएगा, पनडुब्बी तो समुद्र के अंदर रहती है, तो पनडुब्बी को पकड़ने के लिए सोनार की जरूरत होती है, सोनार को जब पानी के अंदर भेजिएगा तभी काम करेगा, बाहर नहीं काम करेगा। तो सोनार को भेजने के लिए दो तरह का ये सोनार का यूज करता है, एक सोनार का यूज करता है लॉन्चेबल, यानी फेंक के अपने उड़ जाएगा, और ये क्या करता है, ये डूबता नहीं है, इसको उस तरह से डिजाइन किया जाता है पानी के अंदर चला जाता है, पूरी अंदर नहीं डूबता है, और वहां से वो देखते रहता है और इसे मैसेज करते रहता है, डाटा लिंक के थ्रू मैसेज कर देता है इसको यहां। ये कब प्रयोग किया जाता है, जब मान लीजिए इस हेलीकॉप्टर को पता है कि यहां रुक के रहना ठीक नहीं है, अगल बगल से दुश्मन का रडार हमको देख सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम बता देगा कि रडार आसपास में है, तो ये क्या करेगा, लॉन्चेबल भेज के भाग जाएगा, ये उसको भेजते रहेगा कि हाँ इतना एरिया में कोई पनडुब्बी है। और मान लीजिए अगर कोई खतरा नहीं है लेकिन इसको आभास हो गया है कि नहीं पनडुब्बी है यहां पर, तो रुक के और ऑप्टिकल केबल द्वारा यहां पर एक ड्रॉपेबल सोनार को गिरा देगा, ये सोनो बॉयज जो थे, सोनार नीचे जाएगा और सारा सिग्नल देख लेगा कौन सी जहाज, दुश्मन का जहाज वगैरह तो नहीं, पनडुब्बी जो पानी के अंदर है अगर है तो तुरंत सिग्नल ऊपर देगा, और जैसे सिग्नल दिया ये मार देगा, टारपीडो लॉन्च कर देगा और उस पर हमला कर देगा। यहां आप देखेंगे तो एक सोनो वॉयस ड्रॉप किया जा रहा है हेलीकॉप्टर से, सोनो वॉयस मतलब होता है ड्रॉप करने वाला सोनार होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर द्वारा ड्रॉप किया जाता है, यही इससे वापस सिग्नल ले जाएगा, ये पानी के अंदर ड्रॉप हो गया, अब इसके एंटीना खुल जाएंगे और यहां से सिग्नल छोड़ना चालू कर देगा, सिग्नल ऐसे छोड़ेगा। ये जो सिग्नल होते हैं साउंड वेव होते हैं, अंदर की सबमरीन
सबमरीन या पनडुब्बी को डिटेक्ट करके ऊपर मैसेज दे देते हैं। अंदर जब ये मैसेज को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो टॉर्पीडो लॉन्च करने का सिग्नल दे दिया जाता है। इसे सिग्नल मिलने लगा है कि अंदर कोई सबमरीन है तो ये यहां से टॉर्पीडो को लॉन्च कर देगा। ये टॉर्पीडो अंदर जाकर उस दुश्मन की सबमरीन पे हिट कर जाएगा जिससे कि दुश्मन की सबमरीन ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए इसे हम सबमरीन हंटर के नाम से जानते हैं। यहां दुश्मन की सबमरीन है, ये आया यहां पर ब्लास्ट कर दिया यहां से। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ घातक जो टॉर्पीडो है उसकी चार घातक टॉर्पीडो को ले जाता है। ये टॉर्पीडो पानी में गिरने के बाद पनडुब्बी को मार के ध्वस्त कर देते हैं। देखिए आज के समय सबसे बड़ी समस्या हैकिंग की हो रही है। मान लीजिए कि इसने जो ड्रॉप किया है सोनो वॉयस को गिरा किया भाग गया है अपने, तो मैसेज भेजेगा ना कि यहाँ पनडुब्बी है। अगर मैसेज हुआ बीच में हैक हो जाए तब, या फिर इसको कमांड से कमांड किया जा रहा है कि इधर कोई दुश्मन है भागो या फिर उस पर हमला करो, रास्ते में हैक हो जाएगा तब। तो इस हैक को बचने के लिए हमें एक डेटा लिंक की जरूरत होती है, वो बहुत ही सिक्योर डेटा लिंक होता है, उसे हैकिंग नहीं किया जा सकता है। तो इस डेटा लिंक को करने के लिए एक हम लोग को रिसीवर ट्रांसमीटर लगाना होता है। आप यहां देखिएगा इसमें, तो यहां एक धोधड़ गोल टाइप का दिखेगा, इसे लगेगा कि घेंघा हो गया है। यहां देखिए तो घेंघा टाइप का दिख रहा है, ये गोल टाइप का लटका हुआ है। तो ये जो है डेटा लिंक है, आगे भी है, अब पीछे भी देखिएगा तो यहां पे एक ठो लटका हुआ है ये वाला। तो ये जो है ये क्या करते हैं, इसका डेटा लिंक है सब, ये एकदम सिक्योर डेटा को भेजता है कि जो सिग्नल इसके पास आ रहा है, जो कॉल आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, वो कहीं लीक नहीं हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है डेटा लिंक का होना। मान लीजिए ये समुद्री तट पर गया या समुद्र में कोई लुटेरे आ गए हैं या छोटी मोटी जहाज है, तो उस पर मिसाइल नहीं ना मारेगा। आप गधा को मारना है, एक गोली मार दीजिए वहां पे कि ऊपर मिसाइल मारिएगा वहां पे। तो इसके लिए इसके अंदर मशीन गन लगाए गए हैं। ये 7.62 mm कैलिबर की मशीन गन है। ये 7.62 mm जो गोली है उसके डायमीटर को दर्शाता है, और इस मशीन गन से आराम से कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। बहुत ही घातक मशीन गन होती है। हेलीकॉप्टर में लगे इस मशीन गन की मदद से हम जो छोटे टारगेट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समुद्री लुटेरे हैं या पेरेट्स हैं, उन पे हम लोग डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। या फिर हमारा कोई जहाज वगैरह, पानी वाला जहाज सोमालिया में अगर हाईजेक होता है, तो उस स्थिति में ये मशीन गन काफी मददगार साबित होते हैं। इनमें जो गोलियों की चेन लगाई जाती है ताकि इनमें गोलियों की कोई कमी ना हो हमला करने के दौरान। अगर ये हेलीकॉप्टर जो है अगर किसी पहाड़ी एरिया में, तटीय एरिया में, समुद्री एरिया में दुश्मन के बहुत ज़्यादा फौज को देख लेता है, तो इसके हार्ड पॉइंट में यहाँ तोप भी लगाए गए रहते हैं। यहाँ से रॉकेट वगैरह को भी ये बहुत आराम से फायर कर सकता है। ये 1100 राउंड रॉकेट वगैरह को, जो तोप के गोले कैनन है, इन्हें हमला कर सकता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा घातक होते हैं इसके हार्ड पॉइंट्स में इसे लगा देने के बाद। देखिए ये मल्टी रोल में यूज हो सकता है, जमीन पे भी हमला कर सकते हैं, समुद्र में भी, समुद्र के नीचे हमला कर सकते हैं, समुद्र के ऊपर हमला कर सकते हैं। साथ ही इसे रेस्क्यू का काम कर सकते हैं, कोई समुद्र में डूब रहा है तो आप उसे बचा सकते हैं कमांडोज को उतार कर। समुद्री क्षेत्र में मान लीजिए कि समुद्र में कोई जहाज गिर गई या कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो ये आराम से रेस्क्यू कर सकता है। यहाँ देखिए कमांडो या सैनिक को उतार दीजिएगा, यहाँ एक आदमी है जो डूब रहा है, ये आके इसको पकड़ लेगा और रेस्क्यू टीम जो है इसको कैप्चर करके, इसके अंदर जो रस्सी है उसमें मोटर लगे हैं जिससे को ये आराम से ऊपर खींच सकता है और रेस्क्यू को भी आराम से यह अंजाम दे सकता है किसी भी एरिया में, समुद्र के क्षेत्र में। इसके अलावे अगर आपका कोई सीप वगैरह हैक हो गया है, किसी बिल्डिंग पर कमांडोज उतारने हैं, तो इस पे से ले जाके आप कमांडोज को उस बिल्डिंग पर उतार सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर मल्टी रोल है, ये रेस्क्यू के काम में भी आ सकता है, साथ ही ये कहीं पे कमांडोज वगैरह को ड्रॉप करने के भी काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सीप हो गया जिसे कहीं बंदी बना लिया गया, तो उस पर आराम से हम अपने कमांडोज को ड्रॉप करा सकते हैं।